हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे, 15 इंच की स्लीव तैयार करेंगे, मार्क करेंगे, उसके बाद इसको सीधा मार्क कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, उसके बाद हमने 7 इंच पे, फिर 11 इंच पे निशान लगाया है। उसको ऐसे गुलाई में कर देंगे और ये सीधे मार्क करते हुए ये हार्ट के साइज के ऐसे शेप बनाएंगे और इसको यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन लगा के, या 2.5 इंच का लगाया है ये निशान, और यहाँ से स्लीव्स का निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमने लगाया है 5 इंच का, उसके बाद 7 इंच का। इस साइड से भी हमने मार्क करना है, जितनी हमने स्लीव्स तैयार करनी है ये हमने मार्किंग कर दी। ये देखिएगा, अब हम कटाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने स्लीव्स की कटाई कर दी है। अब हमने हार्ट साइज काट के और यहाँ से भी स्लीव्स पूरी बीचों बीच काट लेनी है। ये देखिएगा, स्लीव्स की अच्छे से गुलाई कर देनी है यहाँ से। उसके बाद ये देखिए, हमारी स्लीव्स की कटाई जो है तैयार हो गई है, हमारी इस शेप की स्लीव्स बनकर तैयार हो गई। ये हमारी दोनों स्लीव्स हैं। उसके बाद हम एक स्लीव्स को यहाँ से उठा के ये देखिए यहाँ पे लेके आएंगे। ये हमारी वन स्लीव है। उसके बाद हम फैब्रिक लेंगे जिसके ऊपर हमने ये स्लीव्स रखनी है। ये देखिएगा, ये रख के हमने ये जो हमने ये डिज़ाइन तैयार किया था उसके ऊपर से हम ये सिलाई लगा लेंगे। ये देखिएगा, पॉइंट 2 इंच पे हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल ही अच्छे नीट और क्लीन तरीके से हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमारा जो डिज़ाइन है वो उभर कर आए। अगर हमें रेडीमेड सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा हर साइज़ का ये डिज़ाइन है ये उभर कर नहीं आएगा। सो प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान से ये हर साइज़ के डिज़ाइन में बिल्कुल ध्यान से मशीन चलाइएगा और पूरा डिज़ाइन अच्छे से उभर कर आए, ऐसे स्टिच कीजिएगा। बिल्कुल आराम आराम से हमें मशीन चलानी है तो जो कि हमारी जो सिलाई है अच्छी तरह से हो जाए। आप नेक्स्ट बता सकते हैं कि आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिएगा, हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम फैब्रिक को यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटाई कर देंगे। ये हर साइज़ की भी हमने कटिंग कर दी है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक कटाई करने के बाद आगे देखिएगा हम क्या करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ से भी हम स्लीव्स की कटाई कर देंगे। उसके बाद स्लीव्स को नीचे की तरफ फोल्ड करके ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये अंदर की तरफ से निशान लगाएंगे, जिससे हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरीके से आए। जब हम ये स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद जो हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसके हम अंदर से ये ऐसे फोल्ड कर देंगे। और मैं यहाँ से फिनिशिंग के लिए सुई से यहाँ से फिनिशिंग कर रही हूँ, जो हमारी नोके वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाए, मशीन से ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग नहीं आते, तो मैं ऐसे सुई से करती हूँ। ये देखिएगा, आप ऐसे पूरी स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करके और ऐसे ये नोके अच्छी तरह से निकाल के, ये गुलाई अच्छे तरीके से करके और सुई से फिनिशिंग कर लीजिएगा। ये हमारा कच्चा धागा है। ये देखिएगा, तब तक आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए है। ये देखिए, हमें बिल्कुल ही ये हार्ट वाला जो ये डिज़ाइन है, ये पोर्शन है, बिल्कुल धीरे धीरे से ये ऐसे फोल्ड करते चले जाना है, जिससे हमारी जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी। यह मैंने सुई की नोक से ये हार्ट का जो है ये बाहर निकाल लेनी है ये नोक, और हमें अच्छे तरीके से सुई से यहाँ पे सिलाई कर देनी है।
ये देखिएगा मैंने ये फिनिशिंग कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कटाई कर देंगे। मैंने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है जो हमारे अंदर की तरफ की सिलाई में चला जाएगा। इसको आप फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे आप ये कच्ची सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे कच्ची सिलाई करने के बाद मैंने इसमें तुरपाई भी कर ली है। उसके बाद स्लीव्स को बाहर की तरफ से रखेंगे और यहाँ पे ये मैंने डोरी बना ली है जो यहाँ पे 2.5-2.5 इंच की ये लूपे तैयार कर ली है। ये लूपे तैयार करने के बाद हम निशान लगाएंगे। ये देखिए मैंने ये निशान 1-1 इंच पे लगाया है। ये देखिए ध्यान से आप इन निशान्स को देखिएगा। और यहाँ पे जो मैंने ये लूपे तैयार कर ली थी उसको हम ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे लगाएंगे और ये लगाते चले जाएंगे। लूपों का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा मत कीजिएगा, सेम साइज़ पे रख के हमें सिलाई लगा देनी है, तभी हमारी जो स्लीव है बिल्कुल अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिएगा हमने अब हर्ट के ऊपर सिंपल सिलाई लगा देनी है। अब हमें बिल्कुल यहाँ से हर्ट पूरा होने के बाद बिल्कुल पहले जैसे ये जो निशान लगाए थे इनके ऊपर ये लूपे लगा के और ये सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, धागा कट कर लिया है। उसके बाद हम 0.2 इंच पे गैप दे के बिल्कुल एक फिर से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए और हमें ये सिलाई बिल्कुल हर्ट के ऊपर से नहीं लेके जानी है, यहीं पे रोक के और यहाँ से इसको अटैच करके ये सिलाई यहाँ से लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आपस में दोनों को मिला के और ये सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई इस साइड से लगाएंगे जिससे ये जो हमारी सिलाई है वो पक्की हो जाएगी। हमने डबल सिलाई लगा दी है 0.2 इंच के गैप पे। अब ये जो हमारी लूप पे है वो एक साइड उधर करनी है, एक साइड इधर करनी है। ऐसे ये डिज़ाइन पढ़कर तैयार हो जाएगा। अब हमें ये सुई के से ये ऐसे ये लूप जो मैंने लगाई थी इनको बाहर की तरफ फोल्ड करके यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते चले जाना है। ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद ये देखिए हमने एक लूप उधर करनी है, एक लूप इधर करनी है और यहाँ पे ऐसे करके ये सिलाई लगा देनी है। मैं सुई की मदद से इनको लगाने जा रही हूँ। आप ऐसे ही बिल्कुल सारा पूरा का पूरा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं एक एक लूप को लेकर और यहाँ पे ये सिलाई कर देनी है पक्की। ये देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ, ऐसे आपको करनी है सारी की सारी। दोनों तरफ आप ऐसे ही कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो हमारी स्लीव्स का डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिएगा बिल्कुल हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से स्लीव्स बनकर तैयार हो गई है। अब हम आपको इसका
फाइनल लुक दिखाते हैं कैसे हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हुई है। ये देखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब आप इस स्लीव्स को किसी भी कमीज़ पे, ब्लाउज़ पे, किसी भी चीज़ पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।